दोस्तों, आखिर आर्मी स्वदेशी धनुष के जगह M77 होविटजर को ही एलएसी पर क्यों इस्तेमाल कर रही है। धनुष को भारत के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैयार किया गया है, जो कि 155 mm कैलिबर की गन है, जिसकी रेंज 38 किलोमीटर तक है। और अब डीआरडीओ इसके सेकंड वर्जन को तैयार कर रही है, जिसकी रेंज होगी 42 किलोमीटर। धनुष मारक क्षमता और बाकी सारी चीजों में बहुत शक्तिशाली है, पर इसकी सिर्फ एक ही कमी है और वो है इसका वजन। बात करें M77 होविटजर की, तो ये एक अल्ट्रा लाइट वेट टोर्ड आर्टिलरी गन है। M77 को किसी भी कंडीशन में चलाया जा सकता है, चाहे 50 डिग्री सेल्सियस हो या -2 डिग्री सेल्सियस। M77 होविटजर को चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से कहीं भी बड़े आसानी से ले जाया जा सकता है। इसका कुल वजन है 4200 किलो, जबकि धनुष की बात करें तो उसका वजन करीब 12000 किलो है, जिसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाना काफी मुश्किल भरा है। इसलिए भारतीय सेना एलएसी पर बोफोर्स तोपों के साथ M77 होविटजर को तैनात कर रही है। धनुष नो डाउट एक बहुत ही खतरनाक आर्टिलरी गन है और आर्मी ने इसके काफी बड़े ऑर्डर्स भी प्लेस कर रखे हैं, पर ऐसी जगह जहां लॉजिस्टिक चैलेंजिंग है, वहां M77 होविटजर को तैनात करना काफी आसान और